जब हम हमारे पैर का स्टेप लेते हैं आगे, तो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। वहीं अगर मैं अपने हाथों का मूवमेंट कराऊं, तो मैं हाथ का मूवमेंट कैसे कराऊंगी, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों को पता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी एकदम से पूरी रिलैक्स हो जाती है। क्यों रिलैक्स करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप कुछ वर्क करके अपनी बॉडी के एक एक पार्ट का मूवमेंट करके अब रिलैक्स फील कर रहे हो। सो अब मैं आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए मूव करूंगी। When you are writing in your notebook, which part of the body are moving? जब आप अपनी कॉपी में लिख रहे होते हैं तो कौन सा पार्ट आपका मूव कर रहा है, योर हैंड। ओके, और when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you being at the same place in this example. जब आप अपनी क्लास में बैठ के पीछे मुड़ रहे हो या फिर आगे मुड़ रहे हो, देख रहे हो, तो आपकी बदन का मूवमेंट होता है, मतलब आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट किससे अटैच है, आपके जॉइंट से अटैच है। ठीक है, नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी और उसका मूवमेंट कैसे होता है, मतलब हम लोग कैसे अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। इसलिए हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट है, लेट्स लुक क्लोजली एट सम ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स बीइंग बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वैरायटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। हम अपनी बात कर लेते हैं, अभी हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने बॉडी के मूवमेंट देखें। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डू डिड यू मूव योर आर्म, डिड यू रोटेट इट एट योर शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, डिड योर शोल्डर मूव लाई डाउन एंड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। सो रोटेट योर लेग एट द हिप, बेंड योर आर्म एट द बिलो एंड द लेग एट द हिप। हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका हाथ का आपको सर्कुलर मोशन करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका एल्बो क्या कर रहा है, शोल्डर से सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। वही मैं आपको बोलूंगी कि आप आगे की तरफ बढ़ो, आपका पैर क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है ड्यू टू सपोर्ट ऑफ दिस हिप। ठीक है, नाउ एक्टिविटी वन में आपने बोला मैं आपके हाथ में एक स्केल से दो जगह बांध देती हूँ, नहीं कर पाएगी। क्यों, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने क्या एक सपोर्ट नीचे लगा दिया है, जिसकी वजह से आपका हैंड मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बॉन्ड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेस वेयर अवर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टुगेदर। हम ये जानते हैं जहां पर हमारी बॉडी के दो पार्ट जुड़ते हैं आपके, वहां से इजीली मूवमेंट हो जाता है, लेकिन कोई भी पार्ट, बहुत से ऐसे पार्ट है जहाँ पे जॉइंट्स नहीं है, जैसे मैं शोल्डर की बात करूँ, यहाँ पे जॉइंट्स है नहीं, तो शोल्डर अकेला मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उसको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे उसको हाथ के लिए हाथ को मूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टुगेदर एल्बो शोल्डर और लैग, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और इन्हीं प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स, जहाँ पे आपकी दो बोन्स आपकी क्या होती है, मिल रही होती है और वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस दैट इज नोन एज जॉइंट्स। ठीक है बच्चों, नाउ बॉल्स और सॉकेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रोल इज स्टिक ऑफ पेपर इन टू स्टैंड अप बिकॉज बॉल मूव इन अ कूल कवर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर स्टैंड अप इन टू इट्स शोल्डर इन अ फिगर। यू कैन ऑल्सो स्टिक द स्टैंड अप ऑन अ बॉल, पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल। आप एक पेपर लो, उसको सिलेंडर फॉर्म में क्या कर लो, रोटेट कर लो, एक बॉल ले लो, उसको क्या करो सिलेंडर के ऊपर रखो और एक बाउल जो लोगे उसको उस बॉल के ऊपर प्लेस कर लो। व्हाट डू यू सी, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल बाउल, क्या जो बॉल है वो बाउल के अंदर अच्छे से रोटेट कर पाएगी, बिल्कुल। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर पाएगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज हैंड, इज इट्स हैंड, द बॉल द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच द आर्म इज जॉइंट, द राउंड एंड ऑफ द बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जो राउंडेड एंड है वो क्या हो गया हमारा, आपका जॉइंट, क्या हो गया आपका कैविटी, मतलब खाली स्पेस है जिसकी वजह
पूरी हाथ के मूवमेंट को मूव होने देगा। कैन यू नेम अनदर सर जॉइन कैन यू नेम थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स टू ट्राई एट द एंडिंग ऑफ दिस सेशन। इसके बहुत से जॉइंट्स हैं, क्या तुम उसके नाम लिखे और उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। सो बॉल एंड सॉकेट्स का जॉइंट यहाँ पे देखो, ये आपका हिप बोन है, ठीक है, हिप बोन, बॉल सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिससे थाई बोन है, जिससे थाई बोन का आपका अटैच है, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है, टीम अटैच है, मूव है, ठीक। तो आपको बॉल और सॉकेट का जॉइंट यहाँ पे पता चल गया। नाउ पाइवोटल जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट इज अटैच्ड इन अ पाइवोटल जॉइंट, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड टर्न्स द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। पाइवोटल जॉइंट वो जॉइंट होता है जो हमारी नेक को हमारे हेड से क्या करता है, कनेक्ट करता है, और हमें वो हेल्प किसे करता है, हमारे मूवमेंट में, मतलब हम आगे देखना चाहे, पीछे देखना चाहे, लेफ्ट या राइट, कहां अपना मूवमेंट करना चाहते हैं हेड का, उसमें हमें हेल्प करता है। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म्स दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन अ पेयर्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलैंडरिकल बोन रोटेट्स इन अ सर्कुलर वे। देखो पाइवोटल जॉइंट्स कुछ इस टाइप का होता है कि आपका जो नेक है उसमें बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स होती है, सर्कुलर रिंग्स होती है तो क्या करती है, आपको आपके नेक को रोटेट करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, इसमें पेन कम होता है। सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होता है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स रीच द हिंज ऑफ द डोर या फिर दे अलाउ द डोर टू मूव बैक और फॉरवर्ड। जब आप डोर को क्लोज या ओपन कर रहे हो तो उसमें जो जॉइंट लग रहा है वो कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट, ठीक है। एक्टिविटी थ्री, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज, मेक अ स्लाइडर विथ अ कार्डबोर्ड एंड थिक चार्ट पेपर एज शोन इन अ फिगर, अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द स्लाइडर बाय पिचिंग द स्लाइडर एट द साइड एज शोन, मेक अ होलो हाफ स्लाइडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड सच दैट the rolled up cylinder can fit inside it easily, the hollow half cylinder with the rolled by the cylinder sitting inside it। देखो एक रोल सिलेंडर बनाओ, पेपर कट करके उसका रोल कर लो, इट फॉर्म वो क्या फॉर्म कर लेगा, एक सिलेंडर फॉर्म कर लेगा। आप उसके दो एंड पे क्या लगा दो, दो जगह से उसको क्या कर दो, फिलम कर दो पेंसिल से, ठीक। आप क्या देखोगे कि पेंसिल में क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। ट्राई टू मूव द रोल्ड बाय सिलेंडर, उस रोल सिलेंडर को आप क्या करोगे, सिलेंडर की हेल्प से क्या करोगे, उसे मूव करने की कोशिश करोगे। हाउ इट मूव हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विथ अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन एट द एल्बो। हम अपने एल्बो में देखते हैं कि जहां पे क्या हो रहा है, जॉइंट इस हेल्प का मिलता है, लेकिन एज इट इज जॉइंट जो है हमें कहा मिलता है, हमारे नी में, नी में जब हमने घुटने को मोड़ते हैं तो घुटने में कौन सा जॉइंट है ना, इन जॉइंट के कारण क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है, लेकिन उसका भी बैंड का एक क्राइटेरिया है कि जहां तक वो मूव कर सकता है, ठीक है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हैंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स जहां पे हमारी बॉडी क्या नहीं कर सकती है, मूव नहीं कर सकती है, ऐसे जॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स, मतलब हमारे बॉडी पार्ट पूरे क्या है वहां पे फिक्स्ड है, सो दैट जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। सो हमारा पूरा बॉडी जो है वो हड्डियों से मिलकर बना है, एज वी नो, ठीक है, हमारे बॉडी में 206 बोन्स है जिसकी वजह से हमारा क्या पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जो हड्डी का ढांचा होता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन, द फ्रेम वर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, मतलब एक फ्रेम वर्क की तरह हमें काम करता है।
जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो आपका अगर एक्सरे और नी का अगर आप एक्सरे कराओगे तो क्या देख रहे हो वहां पे कि वहां पे भी ज्वाइंट है। कैसे ज्वाइंट है? जो एक दूसरे से एज ए सपोर्ट ज्वाइंट है, मतलब उनके बीच में या तो एक ऑयल टाइप का कुछ ज्वाइंट है जिसके वजह से वो क्या है ज्वाइंट। सो एक्सरे मेजर टू फाइंड आउट अबाउट द एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव बीन हैपेंड टू द बोन्स, द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। जब आप एक्सरे कराते हो तो आपको अपनी बॉडी का हर एक पार्ट का शेप पता चल जाता है कि हमारी ये बॉडी का शेप कैसा है। देखो यहाँ पे आपको एंकल और नी का वो बताया है एक्सरे की उनका शेप कैसा दिख रहा होगा। वही अगर आपकी मैं बोन्स की बात करूँ फिंगर्स की, तो ये जो आप देखते हो ना कि आपके तीन तीन मार्क्स है आपके फिंगर्स में, तो ये बच्चों एक्चुअली बोन्स ही है। कभी तो हमारे फिंगर पूरा मुड़ जाता है, अगर ये किड्स बोन होता तो क्या हमारा बॉडी हमारे फिंगर का मूवमेंट हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें आपको रिब केज के बारे में बताने जा रही हूँ मैं। वी सी दैट द रिब आर क्लोजली बाइंड, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म द बॉक्स। जो हमारी रिब्स होती है मतलब हमारी हड्डियां गाय की, हमारे जो हमारे हड्डियां किसको ज्वाइन करे चेस्ट बोन्स को, और आपकी बैक बोन मतलब आपकी आगे की बॉडी को और पीछे की बॉडी को क्या करके रखती है, एक जोड़ के रखती है। उसे हम उस बोन को हम क्या बोलते हैं रिब केज। रिब केज मतलब वो एक बॉक्स टाइप का बना लेती है पूरा लेयर, जिससे क्या होता है कि आपका बॉडी इजीली बैक फॉरवर्ड मूव कर जाती है। देखो इस टाइप का रिब केज होता है, ठीक है, पूरा एक स्केलेटन फॉर्म। नाउ अब आपका बैकबोन की बात है, तो बैकबोन क्या होता है? दिस आर्क्स फ्रॉम फ्रंट टू देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नी। आपने एक दोस्त को बोलो कि वो अपने घुटनों को मोड़े बिना अंगूठों को टच करता है। बैंडिंग देयर नी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट योर फिंगर टुवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड की गर्दन से यहां तक की यहां तक उंगली फेरो। यू फील अ बैंड, यू फील अ बैंड, तब आपको एक चीज फील होगी कि कोई थोड़ा सा साफ नुमा आकार आपको फील होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बैक बोन। सो बैक बोन इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल, इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स और वर्टेब्रा। ये बहुत सारी छोटे छोटे स्मॉल हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं वर्टेब्रे। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शोल्डर बोन। अब आपके शोल्डर में कौन सा बोन पाया जाता है उसके बारे में क्या बोलते हैं पढ़ने जा रहे हैं। सो डू यू मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द बॉल एंड आस्क हर टू पुश द बॉल। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंटली पेयर द शोल्डर आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। जब आप दीवार को धक्का देते हो, दीवार को धक्का देते हो तो क्या नोटिस करते हो कि आपके जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो जाते हैं, मतलब खिंच जाते हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं बच्चों क्योंकि जब आप शोल्डर में अगर आप थोड़ा क्या कह सकते हैं उसको कि अगर आप इसमें वजन डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये वजन को कैरी नहीं कर पाए, आगे को नहीं बढ़ा पा रहे, तो उसका पूरा इफेक्ट कहाँ आ रहा है आपके शोल्डर का, शोल्डर का आ रहा है। तो वहां से आपको कौन सी पोज सीखेंगी शोल्डर पोज। ठीक है, अब पेल्विक पोज क्या होती है? ऑब्जर्व केयरफुली दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक पोज। आप जो उस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, पेल्विक बोन्स का स्ट्रक्चर मिल रहा है। पेल्विक बोन्स जनरली ऐसी दिखती है, देखो, ठीक है, और ये आपका हड्डी, हड्डी से बना हुआ आपका सर, ये आपका स्कल कैसा दिखता है। तो आज हम सिर्फ कौन से कौन से टॉपिक पढ़ पाए हैं, आपका इंट्रोडक्शन, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, बॉल्स ऑफ हिप जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स और फिक्स जॉइंट्स हमने पढ़े हैं, चैट टॉप एनिमल्स अर्थफॉर्म्स स्नेल कॉकरोच फिश एंड हाउ बुक्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।